कहीं ठंडी गुफाएं हैं, कहीं शीतल हवाएं हैं, भवन के खुशबुओं से मन। जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एशिया ऑन व्हील्स पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन गुफा और कोरोना टेस्ट की पूरी जानकारी और सच्ची जानकारी देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, माता रानी के भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मुझे आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में थोड़ी देर लग गई। कुछ रीजंस की वजह से मैं थोड़ा बिजी था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जिसे टीवी चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले और बहुत से यूट्यूबर्स भाई ने भी अपनी अपनी वीडियो में बताया है कि माता रानी की प्राचीन गुफा खुल गई है। पर दोस्तों, इसके पीछे का सच यह है कि अभी भी माता रानी की गुफा नहीं खुली है। आप में से एक हमारे भाई ने हमें कॉल करके इस बारे में बताया था कि भाई, प्राचीन गुफा अभी नहीं खुली है, पर अब दर्शन डुप्लीकेट वाली गुफा से हो रहे हैं। इसके बाद फिर हमने श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने भी यही बोला कि जी हाँ, अभी माता रानी की प्राचीन गुफा नहीं खुली है। जो भी यह बोल रहा है कि माता रानी की प्राचीन गुफा खुल गई है, वो आप लोगों को झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा न करें। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने खुद साफ तौर पर बोल दिया है कि अभी गुफा नहीं खुली है। दोस्तों, हमारा चैनल आपको पूरी जानकारी लेने के बाद ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए दोस्तों अब बाकी की अफवाहों पर भरोसा न करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कोरोना टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, जब हमने श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बात करी तो हमने कोरोना टेस्ट के बारे में भी उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास 96 घंटे पहले की रिपोर्ट है तो वो वैलिड मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब कोरोना टेस्ट का टाइम 48 आवर्स से बढ़ाकर 96 आवर्स कर दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, यह भी बताया कि अगर आप पहले से कोरोना टेस्ट कराकर आ रहे हैं तो आपका दोबारा से कोरोना टेस्ट नहीं करा जाएगा। अगर वहां कोई भी आपका कोरोना टेस्ट करने के लिए बोलता है तो आप श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आते हैं और आपकी रिपोर्ट 96 आवर्स पहले की है तो आपको दोबारा से कोरोना टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। उसी रिपोर्ट के साथ आप वैलिड माने जाओगे और माता रानी की यात्रा कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, माता रानी के भक्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।